स्टैटिक आईपी क्या होता है, स्टैटिक आईपी कैसे अप्लाई होता है, हमें कैसे चलता है पता कि हमारा स्टैटिक आईपी इशू हो चुका है नहीं हो चुका, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो स्टैटिक आईपी इशू करते हैं, ये कुछ एक क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछे जाते हैं, तो उसी का आंसर मैं वीडियो बनाई है, आपको दिखाऊंगा वीडियो में कैसे स्टैटिक आईपी अप्लाई होता है, आपको कैसे पता है कि आपका स्टैटिक आईपी इशू हो चुका है नहीं हो चुका। दोस्तों मेरा नाम है गुलशन, चलिए शुरू करते हैं। यार बेसिकली मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में MTNL, एयरटेल कुछ एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है वो सब इशू करते हैं, तिकोना वाला इशू नहीं करता है, स्टैटिक आईपी ऐसे कुछ एक सर्विस प्रोवाइडर इशू नहीं करते। तो अगर आप कैमरे के लिए अपने नेट को लगवा रहे हैं तो वैसे तो आजकल DVR में कंपलसरी नहीं रहेगा कि आपके पास कंपलसरी स्टैटिक आईपी होना चाहिए, क्योंकि आजकल P2P या फिर DMZ अपना जो हमारा इंस्टा होना है CP+ का दवा का P2P हो गया, एक यूजर तो भी बिना स्टडी करके आप पैक कर सकते हैं, तो काफी सारी वीडियो बनाई है मैंने, बट जो पुराने DVR लगे हुए हैं जिनके जिनमें स्टडी आईपी चाहिए होता था या फिर आप डायन DNS से आप सर्वर बनाते रखना, तो उन वाले DVR में आज भी स्टडी आईपी चाहिए होता है। तो अगर आप तो सबसे पहला मेन है कि अगर आपका नेट MTN का लगा हुआ है तो आप स्टैटिक आईपी कैसे इशू करवा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपना जीमेल खोला हुआ है, तो मुझे जीमेल से अपने एक मेल करनी पड़ेगी, तो सिंपली कंपोज पे क्लिक करके जो मेल आईडी आपको मेल करनी है वो है sdeadsl@bol.net.in sdeadsl@ball.net.in। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर स्टैटिक आईपी, नीचे आपने टाइप करना है प्लीज इश्यू स्टैटिक आईपी एड्रेस माई नेम इज, जो आपका बिल पे नाम हो, जैसे कि मेरे बिल पे नाम है गुलशन वलेचा, माई टेलीफोन नंबर जो आपका लैंडलाइन नंबर है आपने वो एंटर करना है यहाँ पे, जो भी आपका लैंडलाइन नंबर हो वो डालना है, कंज्यूमर नंबर CA नंबर होगा उसमें मोबाइल आपके बिल में आता है आपको वो CA नंबर एंटर करना है जो भी आपका होगा, देन आपको यहाँ पे टाइप करना है माई एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे फिल करना है और मेल को सेंड कर देना है। आप जब मेल सेंड करते हो तो विद इन 24 आवर्स के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपको एक मेल रिसीव होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अभी कस्टमर के लिए रिक्वेस्ट की थी तो एक मेल मेरे पास आई है, तो उसमें नीचे ही जैसे आप देख रहे हैं स्टैटिक आईपी वाले ऐसे ही सेम मेल पे ही बाद में रिप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि अलॉटेड स्टैटिक आईपी 59.176.74.40, तो ये हमारा स्टैटिक आईपी है बेसिकली, तो ये स्टैटिक आईपी है, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। तो ये चेक करने का तरीका और क्या है कि जब आपका स्टैटिक आईपी इशू हो जाता है कई बार मेल नहीं आती, तो आपने अपने कोई भी ब्राउजर पे ऊपर टाइप करना है whatismyip.com, तो ये टाइप करते ही जो आपका स्टैटिक आईपी है अगर वो इश्यू हो चुका है तो आईपी आपका चेंज नहीं होगा, जैसे कि आप दिखाता हूँ एक बार ओपन करवाते हैं इसे, तो आईपी एड्रेस की पहचान यही है कि आपका जब भी मॉडम बंद करके आप ऑन करोगे तो आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, जैसे आप देख रहे हैं मेरा आईपी एड्रेस ये वाला आ रहा है 110.235.164.138, तो अगर ये मेरा स्टैटिक आईपी है तो मैं इसको आधे घंटे बाद चेक करूं, 2 घंटे बाद चेक करूं, 5 घंटे बाद चेक करूं, कल चेक करूं, सेम आईपी एड्रेस रहेगा, और अगर ये स्टैटिक आईपी नहीं है तो अगर मैं मॉडम को अभी बंद करके ऑन करूंगा तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, इसे कहते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस जो कि बार बार चेंज होता है, स्टैटिक आईपी कभी भी चेंज नहीं होगा।
तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटिक आईपी इशू हुआ है कि नहीं हुआ। आप आईपी चेक कीजिए, अपने मॉडेम को ऑन ऑफ कीजिए, देन आधे घंटे बाद दोबारा चेक कीजिए। अगर आईपी चेंज हो गया इसका मतलब कि वो आपका स्टेटिक आईपी नहीं है। तो ये प्रोसीजर एमटीएन का था। अगर आपका नेट एयरटेल का लगा हुआ है तो आपको एयरटेल पर कॉल करनी पड़ेगी 1-to-1 पे। इनके कोई चार्जेस भी होते हैं, जैसे एमटीएन का 100 रुपीज़ पर मंथ होता है, एयरटेल वाला कई बार फ्री में दे देता है तो उनको बोलना पड़ता है। और बाकी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने प्लान को बढ़ाते हैं स्टेटिक आईपी के हिसाब से। तो आपको अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका नेट का, आपको उससे बात करनी पड़ेगी कि मुझे स्टेटिक आईपी चाहिए। तो बस ये सिंपल से स्टेप से, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए उसकी, ताकि आपके पास एक मैसेज आ जाए जब भी मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ वीडियो। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।